साल 2016 रहस्यमय मरियाना ट्रेंच का अध्ययन करने वाले कुछ जीव विज्ञानियों को उसके डेप्थ से एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। और जब उस ध्वनि को रिकॉर्ड किया गया तो पता चला कि वो कोई प्राकृतिक ध्वनि नहीं थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक हम चंद्रमा के सतह को पृथ्वी के महासागरों की गहराई से भी अधिक अच्छे से जानते हैं, और ये मरियाना ट्रेंच के लिए विशेष रूप से सच है जो पृथ्वी पर सबसे गहरी खाई में से एक है। फिलीपींस के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना ट्रेंच रहस्य का एक ऐसा स्थान है जिसमें मिस्टीरियस समुद्री जीव और कई अनसुलझी घटनाएं शामिल है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और रोमांचकारी वीडियो में। आज इस वीडियो में हम मरियाना ट्रेंच और वहां पाए जाने वाले रहस्यमय जीवों के बारे में जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मरियाना ट्रेंच 1500 मील से भी अधिक फैला हुआ है और औसतन 40 मील से अधिक चौड़ा है, लेकिन जो बात इसे इतनी भयानक बनाती है वह इसकी गहराई है। मरियाना ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है सतह से लगभग 7 मील नीचे तक गहरी है। यह खाई इतनी गहरी है कि यदि आप दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को उठाकर मरियाना ट्रेंच में डुबा दें तो ये इसको भी निगल जाएगा। इसके एक्सट्रीम डेप्थ में सूरज की रोशनी ना पहुंच पाने के कारण ये हमेशा अंधेरे की स्थिति में ही रहता है। नतीजन ये बहुत ठंडा भी होता है और तापमान जमाव के ठीक ऊपर रहता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा पानी का दबाव है जो नीचे के ओर लगभग 8 टन प्रति वर्ग इंच तक होती है। यह सतह की दबाव का लगभग 1000 गुना है। खोजकर्ताओं ने 1800 के दशक के अंत में अल्प विकसित उपकरणों का उपयोग करके मरियाना ट्रेंच की जांच शुरू की थी, लेकिन किसी को नीचे भेजे बिना खाई की पूरी तस्वीर प्राप्त करना बिल्कुल असंभव था। हालांकि इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है। 1960 में जेक्स पिकार्ड नामक एक शोधकर्ता और अमेरिकी नौसेना के लेफ्टिनेंट डॉन ब्लोस ने एक नौसेना पनडुब्बी को मरियाना ट्रेंच की गहराई में ले लिया था। पानी के दबाव के कारण वे ज़्यादा देर रुक नहीं सके, लेकिन जब उन्होंने पनडुब्बी की फ्लड लाइटें चालू की तो मछलियों को देखकर चौंक गए, क्योंकि तब तक यह माना जाता था कि इतने कठोर वातावरण में कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। मरियाना ट्रेंच सिर्फ इसकी गहराई के लिए जानी नहीं जाती है, इस खाई में बहुत सारे मिस्टीरियस और वेट क्रिएचर्स पाई जाती है। तो आइए जानते हैं मरियाना ट्रेंच में पाए जाने वाले अजीबोगरीब जीवों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि आज तक के महासागर के इतिहास में मेगालोडन से ज़्यादा भयानक हिंसक जीव कोई नहीं है। हालांकि यह जीव पूरी तरह से विलुप्त हो गई है, फिर भी लोगों का मानना है कि मेगालोडन आज भी जीवित है और मरियाना ट्रेंच की गहराई में रहता है। समय समय पर इस विशालकाय सार को लोगों के देखे जाने की खबरें भी आती रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मेगालोडन करीब 26 लाख साल पहले विलुप्त हो चुका है। यह सार करीब 60 फीट यानी 18 मीटर लंबी हुआ करती थी। अब आप आकार से ही इसके डर का अंदाजा लगा सकते हैं और इसका वजन करीब 100 टन हुआ करता था। मेगालोडन जब समुद्र पर राज करता था उस समय धरती बहुत गर्म हुआ करती थी। ऐसा वातावरण इन मछलियों के लिए सबसे अनुकूल था, लेकिन धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी। अपने अनुकूल तापमान में ये मछलियाँ समुद्र के गर्म क्षेत्रों में विचरण करने लगी। यहाँ तापमान ठीक था लेकिन पर्याप्त भोजन नहीं था। भोजन की कमी के कारण वे एक दूसरे को ही खाने लगे और एक समय ऐसा आया जब उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। लियोप्लूरोडॉन, हालांकि यह जीव भी विलुप्त हो चुका है, लेकिन इसके जमाने में यह डर का दूसरा नाम हुआ करता था। यह एक मांसाहारी समुद्री सरीसृप था जो डायनासोरों के समय में समुद्र पर राज करता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन लियोप्लूरोडॉन की लंबाई लगभग 9 फीट हुआ करती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके 4 पैडल हुआ करते थे जो इसे पानी में तेज गति से तैरने में मदद करते थे। यही कारण था कि यह जीव लंबी दूरी बड़ी आसानी से तय कर लेता था। शिकार पर हमला करने की उसकी रफ्तार भी काफ़ी तेज थी। पलक झपकते ही ये अपने शिकार को पकड़ लेते और बड़े ही हिंसक तरीके से चबा जाते थे। वे अपने लंबे थूथन की मदद से अपने शिकार को सूंघकर पहचान लेते थे। हालांकि उनकी नज़र बहुत अच्छी थी, इसका मतलब है कि अंधेरे में मरियाना ट्रेंच में बड़े आसानी से शिकार कर लेते थे। अन्य सरीसृपों से भोजन के लिए कंपटीशन के कारण ये जीव भी धीरे धीरे पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे। हालांकि मरियाना ट्रेंच यूएस के बाहर बहुत दूर स्थित है, लेकिन यूएस मरियाना ट्रेंच के रक्षक के रूप में कार्य करता है। साल 2009 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मरियाना ट्रेंच को समुद्री स्मारक बनाया। खाई में खनन और मछली पकड़ने पर रोक लगा दी
और वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता की घोषणा किया। चाहे वो खाई को हमसे बचाने के लिए हो या हमें गहरे समुद्र में छिपे किसी भी राक्षस से बचाने के लिए हो, ये दोनों ही विषय में कार्य करता है। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई रोमांचकारी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।